देश भर में कोरोना वायरस का कहर है। धीरे धीरे कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी कोरोना से देश को बचाने में जी जान से लगे हुए हैं। इस दौरान पीएम देशवासियों के साथ साथ राजनीतिक दल और बड़े हस्तियों को भी कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री से बात की। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से भी बात की। जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने रविवार को सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को फोन कर कोरोना से निपटने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा पाटिल को फोन किया। वहीं उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी फोन किया। लॉकडाउन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, डीएम के चीफ के स्टालिन और तेलंगाना के सीएम KCR से भी पीएम मोदी ने बात की। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी को कोरोना वायरस से बचने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में बताया, साथ ही कोरोना से निपटने के लिए उनके सुझाव मांगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और खेल और बॉलीवुड जगत के हस्तियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। पीएम मोदी एक तरफ जहां कोरोना के खिलाफ जंग में देश को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देश भर में कोरोना फैलाने में सबसे ज्यादा हाथ तबलीगी जमात का है। निजामुद्दीन के मरकज से निकले जमात के लोगों ने पूरे देश में घूम घूम कर कोरोना वायरस फैलाया। अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तबलीगी जमात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वैसा हमने महाराष्ट्र में नहीं होने दिया। तबलीगी जमात को पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए हमने अनुमति से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अब तक सभी लोगों का पता लगाया है जो हमारे राज्य से दिल्ली कार्यक्रम में गए थे। दिल्ली के तबलीगी जमात का जिक्र करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके माध्यम से COVID-19 संक्रमण का प्रसार नहीं हो, साथ ही इसके संक्रमण को रोकथाम के उपाय चल रहे हैं। वहीं लॉकडाउन पर सीएम ठाकरे ने कहा कि राज्य में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाया जाएगा या नहीं, ये लोगों के बर्ताव को देखकर तय किया जाएगा। देखा जाएगा कि लोग सरकारी दिशा निर्देशों का कितना पालन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में किसी प्रकार के धार्मिक या खेल आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि COVID-19 का कोई धार्मिक रंग नहीं है, लेकिन COVID-19 जैसा एक सांप्रदायिक वायरस भी है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो नागरिकों को गलत संदेश फैला रहे हैं और ऐसे वीडियो को मजे के लिए अपलोड कर रहे हैं। यह COVID-19 वायरस कोई धर्म नहीं देखता है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तबलीगी जमात और दिल्ली सरकार राजनीतिक पार्टियों और लोगों के निशाने पर है। देश में सबसे तेजी से कोरोना के मामले दिल्ली में ही बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है। अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी कोरोना वायरस के सामने बेबस है और वहां लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने देश को कोरोना वायरस से नहीं बचा पा रहे हैं और अब अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। कोरोना से लड़ाई में अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग की मांग की है। बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट मुहैया कराने का अनुरोध किया है। अमेरिका को उम्मीद है कि ये दवा कोरोना से निपटने में कारगर हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उत्पाद करती है।
मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बेहतर कारगर दवा है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं, इसलिए भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर इसका उत्पाद करती है। हालांकि ये दवा एंटी मलेरिया ड्रग्स क्लोरोक्वीन से थोड़ी अलग दवा है। ये एक टैबलेट है जिसका उपयोग ऑटो इम्यून रोगों जैसे कि संधि शोथ के इलाज में किया जाता है, लेकिन इसे कोरोना से बचाव में इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। बता दें कि अब यह दवा कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर सिद्ध हो रही है, इसलिए इसकी मांग अब और बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब है, इस लिहाज से वहां दवा की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत अगर हमारे ऑर्डर को भेज दे तो मैं आभारी रहूंगा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वे उनकी मदद करेंगे। बता दें कि भारत 25 मार्च को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों को पकड़ कर आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती किया जा रहा है। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों में नंबर 1 बनने की होड़ लगी है, जिसमें कभी महाराष्ट्र ऊपर जाता है तो कभी केरल। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने में महाघाड़ी सरकार अब तक कामयाब नहीं दिख रही है। इस बीच कोरोना अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री तक पहुंच गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के पास चाय की दुकान लगाने वाले एक दुकानदार के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उसे आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया है और मातोश्री को सुरक्षा के नजरिए से सील कर दिया गया है। बता दें कि मातोश्री महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पैतृक निवास स्थान है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। साल 1980 में बाला साहेब का परिवार बांद्रा ईस्ट के कलानगर में बने बंगले मातोश्री में रहने के लिए आया। तब से मातोश्री महाराष्ट्र की सियासत की धुरी बन गया है। बीते 4 दशकों से मातोश्री का नाम महाराष्ट्र के हर किसी के जुबान पर रहता है। इसे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। मातोश्री तक कोरोना का पहुंचना ये वाकई हैरान करने वाली बात है। महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है, ये वाकई डराने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएम जहां रहते हैं वहां कोरोना का पहुंचना चिंता की बात है। देश भर में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लोग अपने घरों तक सीमित हैं। जरूरी सामानों को छोड़ दिया जाए तो सारे कारोबार ठप पड़े हैं। सियासी कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र का है, जहां लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक तरफ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पेच गहराता जा रहा है। इस लॉकडाउन के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। हम आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे न तो विधायक है और न ही विधान परिषद के सदस्य। ऐसे में संविधान की धारा 164(4) के तहत उन्हें पद पर बने रहने के लिए 28 मई तक विधायक या MLC बनना जरूरी है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस हिसाब से 28 मई तक उनका विधायक बनना जरूरी है, लेकिन मुश्किल यह है कि कोरोना के चलते सभी सियासी गतिविधियां थमी हुई है। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे के सामने एक रास्ता ये भी है कि वह बिना विधायक या MLC बने सीएम पद पर बने रह सकते हैं। इससे पहले सुशील कुमार शिंदे और पृथ्वीराज चौहान भी इसी तरह मुख्यमंत्री बने थे, यानी ये दोनों न तो विधायक थे और न ही MLC। बता दें कि इस मामले पर राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे का कहना है कि अगर मई तक उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं होती है
तो उद्धव ठाकरे समेत पूरी कैबिनेट इस्तीफा देकर दोबारा शपथ ले सकती है। अब यह देखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद पर बने रहने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। 28 मई तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।